DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. राकेश जी बोलिए. चलो. प्रणाम सर. प्रणाम. आपके ये लॉकडाउन शुरू हुआ और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने करी है कि जिससे पूरे प्रदेश में और देश में राजस्थान सरकार का नाम हो रहा, आपका नाम हो रहा. लॉकडाउन के बाद जैसा मैं मानता हूं अजमेर के प्रशासन के बारे में, तो चाहे जिला कलेक्टर से लगा के छपड़ाची तक और पुलिस कप्तान से लगा के सिपाही तक, मुस्तैदी से इस जिले की, इस जिले के आम आवाम और गांव के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं. इलाके में आज सबसे ज्यादा मेरा इलाका पिछड़ा है, गरीबों का इलाका है और नरेगा मेरे इलाके में सबसे ज्यादा अजमेर जिले में, चाहे मसूदा में हो या बिनाई में हो, बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है. दूसरा, मेरे इलाके के और अजमेर के काफी लोग बाहर गए हुए हैं, बॉम्बे हैं, सूरत हैं, काफी लोग तो इधर उधर से जुगाड़ करके उनके पास खाना बनू के ला रहा हूँ, लेकिन अभी भी कम से कम 2,500 आदमी बॉम्बे में, सूरत में किसान है, पशुपालक है, रेवाड़ी समाज के लोग हैं, कुछ धंधा करने गए हुए हैं. तो इन लोगों की मैंने एक लिस्ट बना के जिला कलेक्टर महोदय को सुबह दी है. मैं चाहूंगा कि वो सारे के सारे लोग, क्योंकि जब गांव का आदमी है और ये महामारी, इसका प्रचार बहुत ज्यादा हो गया है. जितनी महामारी नहीं है, जब हम बचपन में सुना करते थे, हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा प्लेग आ गया था जो गांव के बार बार गए और गांव के गांव खाली हो गए, वो इतनी महामारी नहीं है. लेकिन आपकी इस मीडिया ने, प्रचार तंत्र ने इतना कर दिया कि गांव का छोटा बच्चा भी सहमा हुआ, वो भी आजकल आपको उसके चालान बनाना नहीं है मास्क के लिए, वो अपने मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं. तो ये महामारी का प्रचार हुआ तो वहां बॉम्बे में बैठा हुआ परिवार तो वहां तड़फ रहा है, यहाँ सरवाड़ में बैठा हुआ, मसूदा में बैठा हुआ, बिनाई में बैठा हुआ आदमी यहाँ तड़फ रहा है, कैसे आए. तो उन लोगों को मंगाने के लिए जितना और आपने सरलीकरण किया परसों से, और इसमें सरलीकरण जरूरी है. एक मेरे आगे की बात यह है, हाँ सर, ये तमाम भारत सरकार की गाइडलाइन चलती रही सैकड़ों, उसी ढंग से राज्य सरकार ने काम किया है. और जब तक दोनों राज्य सहमत नहीं हो तब तक आगे बढ़ नहीं सकती बात. अब जाके काफी राज्य सहमत हुए, फिर कमल से बंगाल अभी तक अनुमति नहीं दे रहा है, जम्मू कश्मीर से अनुमति नहीं मिली है, असम से नहीं मिली है और महाराष्ट्र की प्रॉब्लम बड़ी है. उसमें वो लोग कह रहे हैं जब तक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, थानेवार अनुमति और हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध, उनके अलग शर्तें हैं. तो मजबूरी है, वरना आप निश्चिंत रहो, जो आप लोग सुझाव देंगे उसके आधार पर लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं. सर, एक खाद्य सुरक्षा में जो अभी सभी ने उठाया मैटर, दोबारा हो जाएगा. जिन लोगों के आधार कार्ड है, बहुत लोगों के खाद्य सुरक्षा के कार्ड तो है लेकिन नाम कट गए थे, तो वो बहुत गरीबी में परेशानी में है. तो आधार कार्ड देख के, स्थिति देख के उन लोगों को अगर हम अनाज दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. क्योंकि बहुत लोग, जैसा एमपी साहब ने बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने खुददार हैं कि ये अनाज लेने जाने में भी शर्माते हैं. लेकिन आज उनकी स्थिति, नाई है, कुमार है, जितने जो छोटे छोटे काम करने वाले, पान की दुकान है, ये सारे लोग परेशान हैं. तो इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करी जाए, इनकी एक लिस्ट बनाई जाए बीएलओ से, जिससे उन लोगों को रोजगार मिले. दूसरा, ये हमारे नगद भुगतान का जो मैटर है, ओटीपी नहीं निकाला, संकट में वंचित निर्माण श्रमिकों को खाता नंबर सही नहीं है, वह खाता नहीं खुला हुआ है, उन्हें नगद भुगतान SI वेंडर एवं अन्य जरूरतमंद परिवार नगर पालिका विजयनगर और आसपास के इलाके में इनके 2,500 का भुगतान नहीं हुआ है, इसको तुरंत दिलाया जाए. एक सामग्री के जो किट है, मेरे इलाके में थोड़ा विजयनगर में तो गया ही नहीं सरकार से, तो सामग्री के किट की व्यवस्था की जाए. पहले हमारे भामाशाहों ने और दानदाताओं ने मिलकर विजयनगर में काफी हम लोगों ने उसकी व्यवस्था करी है और अब भामाशाह भी परेशान होने लग गए साहब, बहुत लंबा काम हो गया है. तो थोड़ा सरकार का खाता खुला के पैसों की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके.
एक चिकित्सा मंत्री महोदय बैठे हैं। मेरा एक सवाल है कि मेरे इलाके की बड़ी हालत गंभीर है, ये आपके इसके अंदर चिकित्सा व्यवस्था में अभी मौसम ऐसा चल रहा है, तो जितने भी जो मेरे सीएससी पीएससी सब सेंटर है वहाँ पे स्टाफ लगा दिया जाए जिससे वहाँ लोगों को राहत मिले। प्लीज एक आखिरी बात और बोलूँगा, मेरा इलाका मगरे का इलाका है और पीने के पानी की भयंकर किल्लत है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए आपके मंत्री जी भी बैठे हैं, क्या नाम इनका, कल्ला साहब, मेरे इलाके में एक संत तो लगा उसको चार्ज है ब्यावर वाले को, एएन सेन कोई है ही नहीं, तो मेरे इस जलदाय विभाग के अंदर आदमी लगाए जाए और ये जनता को पानी पिलाया जाए। एक आपसे यही है कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक इच्छा है कि तू भी मेरे मसूदा इलाके पे मेहरबानी रखा है जिससे गरीब और गांव का इलाका आपको याद करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।